हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपका ई सी एल ई इस चैनल पर। टुडे इज द फोर्थ क्लास, इस वीक की क्या फोर्थ क्लास है। और आज मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शुड हैव बीन की जो लास्ट क्लास है, शुड वाली सीरीज है, आज वो ख़त्म होने वाली है और इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके बीच में वोकैब लाया हूँ, जो हर बार की तरह लाता था। बहुत सारा गैप हो गया है, बहुत सारी चीज़ छूट गई हैं पिछले 15-16 दिन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ रिकवर हो सके और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सके। और मैं कुछ डिफरेंट, आई एम थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, कुछ मैं डिफरेंट सोच रहा हूँ आपके लिए, ओके। क्योंकि बहुत सारी ग्रामर हो चुकी है, अब मैं आई एम आउट टू गिव सम टिप्स, मैं आपके लिए कुछ टिप्स भी दे दूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आएंगी, ओके। तो एक जो वीक मैं रख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस वीक रख रहा हूँ, ओके। तो उसमें 3-4 वीडियो ऐसे रहेंगे जिसमें प्रैक्टिस ही रहेगी ओनली ऑन, और इसमें कुछ नहीं रहेगा। जो सिलेबस का जो काम है थोड़ा सा जो रह गया था वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस वीक में आई थिंक ये पूरा हो चुका है, ओके। और कल जो नेक्स्ट वाले वीक, मंडे वाला जो वीक आएगा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, ओके। और कुछ मैं हो सकता हूँ पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ, अगर मैं आउटसाइड जाता हूँ घर से बाहर तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा और उसमें भी आप इंजॉय करोगे, ओके। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। और यदि आपने अभी तक चैनल को, मतलब वीडियोस को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एवरी पर्सन शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जितना चैनल की रीच पहुँचेगी मेरा, मतलब आपके लिए उतना ही भला होगा और दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं, ओके। साथ ही आज वॉकअप, जैसे मैंने आपको बताया है, वॉकअप में आपको करा रहा हूँ, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी वॉकअप के लिए, ओके। वी हैव द 5 वॉकेबलरी एंड यू हैव टू मेक दी सेंटेंस, ओके, एंड यू हैव टू यूज़ दैट इन डेली लाइफ। आपको डेली लाइफ में यूज़ करना, अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा ना, क्योंकि चार पाँच महीने होगा तो थोड़ा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो चुकी होगी। आई थिंक मैं समझता हूँ कि इट विल योर द अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप्ड, ओके। सो आई कैन टॉक इन इंग्लिश इन द एवरी थिंग, बट आई वॉज थिंकिंग दैट and I am thinking that if there is the new student, so if new student will come, so they will not able to understand, so it can be not reliable, it cannot be useful for the new student, that's why I don't speak English. इसलिए मैं ज़्यादा अंग्रेजी का यूज़ नहीं करता हूँ, बट you have to practice of the listening of the English language. What am I saying that, okay? एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट दिस क्लास, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ वॉकअप को, ओके। तो फर्स्ट वॉकअप है, देख लो फर्स्ट वॉकअप क्या है। फर्स्ट वॉकअप है ओवरटेक, ओवरटेक मीन्स होता है आगे निकलना, ओवरटेक मीन्स क्या होता है आगे निकलना। सडनली जैसे कि हम जाते हैं, कहाँ हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो रोड पर देखा होगा कि हमने एक वर्ड बहुत सारा सुना होगा, ओवरटेक मतलब आगे निकलना, क्या है आगे निकलना। ओवरटेक मीन्स ये क्या है, ये है अपनी वर्ब है, क्या ही वर्ब है। ओवरटेक मीन्स क्या होता है, आगे निकलना, एक तो रोड से आगे निकलना, या फिर हम करियर की बात करें, नंबर की बात करें, कई मामलों में आगे निकलते हैं, उसके लिए भी हम ओवरटेक करते हैं। तो इसका हम सेंटेंस अगर लें तो वह ट्रक से आगे निकल रहा है, या उसकी कार ट्रक से आगे निकल रही है, आगे जा रही है, बोल सकते हैं उसकी कार ट्रक से आगे जा रही है, तो क्या आएगा, His car is going ahead, या फिर his car is overtaking of the truck, या जो भी अपना vehicle है, okay? और ऐसे हम life में भी बोल सकते हैं कि वह सुमित से आगे निकला है, वह सुमित से आगे निकला है, मतलब he overtook from सुमित, बोल सकते हैं overtaken, बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। ही ओवरटुक, एक सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओवरटुक हो जाएगा, ओवरटेकन हो जाएगा, ही ओवरटुक फ्रॉम सुमित या टू सुमित, बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, यू कैन मेक द सेंटेंस, ओके। और ये यूजिए सुना, मतलब सुना भी ये वर्ड बहुत सारा अपन ने सुना भी होगा इसमें, लेकिन अपना उतना फोकस नहीं रहता आई थिंक, मैं मतलब पर्सनली सुना है लेकिन निकल जाता है, तो ये आपके लिए एक फाइनल 100% वर्ड हो गया। ओवरटेक मीन्स क्या होता है, आगे निकलना, क्या होता है आगे निकलना, ओके। नेक्स्ट देखो स्टेक, स्टेक मीन्स क्या होता है, दाव लगाना या बाजी लगाना, ये भी क्या है अपनी, ये भी वर्ब है, ये क्या है भैया, ये भी अपनी वर्ब है, यहाँ मैंने लिखा है ये भी वर्ब है, ये भी मैं अब बताने का प्रयास करता हूँ कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी डेवलप हो सके, ताकि बहुत सारी यूज़ में होता है, रीडिंग में होता है, मतलब बहुत सारे यूज़ रहते हैं आई थिंक मैं बताऊँ तो, ओके। तो स्टेक मीन्स स्टेक,
टेक से याद रखना, देखो ये मीनिंग है जो अब मैं ट्रिक भी लाऊंगा कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद। देखो ओवर, ओवर मीन्स होता है निकलना, ओके। टेक भी इसमें भी टेक है, ओवरटेक है, स्टेक है, ओवरटेक एंड स्टेक, तो इसमें ये भी मीनिंग याद हो जाएगी। सेंटेंस ही बनाओगे, ओके, क्या है ओवरटेक। ओवरटेक मीन्स क्या होता है, दाव लगाना या फिर बाजी लगाना, दाव लगाना या बाजी लगाना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे जुआ होता है, जुआ खेलते हैं, ये गलत है, ओके, जुआ खेलना गलत है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मतलब क्या लगाते हैं, दाव लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, मतलब हमने दाव लगाया, मतलब क्या किया, स्टेक किया, तो बोल सकते हैं उसने उसने जुए में दाव लगाया, उसने जुए में दाव लगाया। तो क्या हो जाएगा इसमें, ही स्टुक, क्या हो जाएगा, ही स्टुक, स्टुक क्यों, सेकंड फॉर्म, ही स्टुक इन गेम, ही स्टुक इन गेम। या फिर लाइफ की बात करें जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं, मतलब जो अपने सेना होती है, अपनी जवान रहते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं या दाव लगाते हैं, लगाते हैं ना, जान की बाजी लगाते हैं या दाव लगाते हैं, उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जान की बाजी लगाना एक अलग वर्ड होगा, लेकिन उस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, बोल रहा हूँ, सोल्जर स्टेक्स ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है भैया, ये भी अपनी वर्ब है। आई थिंक दो वर्ड आपको अच्छी तरीके से आपको याद हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया, और, ओ आर ई, और मीन्स क्या होता है, और मीन्स क्या होता है, कच्ची धातु, क्या होती है, कच्ची धातु, जैसे कि मेटल, जो भी मेटल्स वगैरह, कच्ची धातु मेटल है, मतलब जैसे आयरन, लोहा है, सोना है, तो ये क्या है, ये कच्ची धातु रहती है, जिसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त, कैसे, जो माल से रहते हैं, खान रहते हैं, उससे हम प्राप्त करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, हम कच्ची धातु बोलते हैं, फिर उससे पकाते हैं, बनाते हैं, तो मतलब जो कच्ची धातु है उससे हम क्या बोलते हैं, और, क्या बोल सकते हैं, और। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोहा कच्चा प्राप्त करते हैं, या लोहा एक कच्ची धातु है, लोहा एक कच्ची धातु है, बोल सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ऐसे आयरन इज द ओर, आयरन इज द ओर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, सेंसिबल थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है ओकेशन, ओकेशन मीन्स ये भी क्या है, नाउन, इसके थ्री मतलब हैं, ये भी क्या है, ये भी नाउन है, ओकेशन, ओ डबल सी ए एस आई, ओकेशन मीन्स क्या होता है, नाउन, क्या होता है, मतलब सॉरी नाउन है ये, और इसके तीन मतलब हैं, कितने, तीन मतलब, फर्स्ट है क्या, एक मौका, ये चांस ही बोलते हैं हम, इसे अवसर भी बोलते हैं, या फिर एक स्थिति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिति, कंडीशन इंग्लिश में। तो इसके ओकेशन, तो बहुत सारी यूज़ में, मतलब इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, और भी मीनिंग्स हैं, मैंने इसके अभी कलेक्ट नहीं किया है। तो ओकेशन मीन्स क्या होता है, मौका, अवसर या स्थिति, मौका, अवसर एंड स्थिति। तो हम बोल सकते हैं उसके पास मौका था, उसके पास मौका था, तो क्या आएगा, ही हैड ओकेशन, ही हैड ओकेशन, या फिर हमारे पास मौका होना चाहिए, हमारे पास मौका होना चाहिए, वी शुड हैव ओकेशन, वी शुड हैव ओकेशन, या अवसर होना चाहिए, स्थिति, स्थिति बोल सकते हैं। तो ओकेशन एक स्थिति, तो इसका सेंटेंस मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, आप बनाना, ठीक है, तो ओके। इसके कितने वर्ड है, ये है फेमिलियर, फेमिलियर मीन्स क्या होता है, परिचित, जानकार या जाना पहचाना, परिचित, जानकार या जाना पहचाना, क्या है, या फिर परिचित, जानकार एंड जाना पहचाना हम बोल सकते हैं। तो इसके तीन मतलब, देर आर द थ्री मीनिंग्स, थ्री मीनिंग्स, वर्ड वर्ड एंड थ्री मीनिंग्स इन द हिंदी लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, क्योंकि तीन मीनिंग्स होती है। तो अब जैसे अब आप सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग, आई थिंक के अगर ये वर्ड कोई बोल रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि इसका वर्ड परिचित है, इसका जानकार है, बुक में देखे हुए। तो सीधी सी बात है कि जब हम जो पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो उसमें एक दूसरे से लिंक वर्ड हैं, लिंक रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, समझ रहे, क्या है, लिंक रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं। जैसे मैं हिंदी में एक सेंटेंस बताऊं, जैसे क्या है, जल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, हिंदी में सेंटेंस का जल महत्वपूर्ण है, तो इसका अलग मतलब है, ठीक है। अब मैं बताऊं, उसका घर जल गया, उसका घर जल गया, तो ये तो क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है, आगे समझे, जल मीन्स पानी, वाटर, और जल मीन्स जलना, जो आग जलाते हैं, तो इसके क्या अलग अलग मतलब, जो सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं, उसको प्रोते हैं,
उसके अलग अलग मतलब रहते हैं। तो आई थिंक ये डाउट भी आपका खत्म हो गया होगा। तो ये नाउन है, एडजेक्टिव, ऐसे इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं स्पोकन वाली, मतलब जो कॉम्पिटिशन वाली इंग्लिश रहती है ना, ऐसे एक सेंटेंस की अलग अलग मतलब, मतलब चलो मैं बताना बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल में हो जाएगा, तो इसके अलग अलग। तो ऐसे ही एक फेमिलियम इस परिचित या जानकर या जाना पहचाना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मेरा मतलब कि मेरा दोस्त, मैं उससे परिचित हूँ, मैं अपने दोस्त से परिचित हूँ, या क्या है परिचित हूँ, मतलब आई एम फेमिलियर ऑफ माई फ्रेंड, आई एम फेमिलियर ऑफ माई फ्रेंड। तो किसके परिचित के सेंस में, जानकार के होंगे। तो जानकार बोल सकते हैं कि जैसा सुमित एक जानकार है, या सुमित जानकार बनना चाहता है, तो सुमित वॉन्ट्स टू बी फेमिलियर, सुमित वॉन्ट्स टू बी फेमिलियर से बना सकते हैं, ओके। और हम बोल सकते हैं जैसे क्या है कि जैसे जैसे हाँ कोई मोबाइल कंपनी है, जैसे एप्पल है, एप्पल वर्ल्ड फेमस कंपनी है, एप्पल सैमसंग, तो बोल सकते हैं कि आईफोन, या फिर आईफोन बोलते हैं ना, आईफोन एक जाना पहचाना नाम है, आईफोन एक जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना है, या फिर तो क्या हो गया, आईफोन इज़ फेमिलियर, आईफोन इज़ फेमिलियर। तो तीन ही सेंस मैंने तीन मतलब आपको बताने का प्रयास किया है, ओके। यह थोड़ी सी लंबी वीडियो हुई, डोंट टेक टेंशन। तो आई होप इतनी वाकिफ तो आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंटेंस बनाइए अपनी वाकिफ, किसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके, ताकि आपको मीनिंग कभी भूल ना, ओके। तो इसका आई होप आपने इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, शुड हैव बीन, बहुत दिन से शुड हैव बीन मैं कर रहा हूँ, ओके। तो शुड हैव बीन डायरेक्ट हम चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और आपको नेट पर बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी हम पहचान की अगर हम बात करें, ओके, पहचान ध्यान से देखना, क्योंकि पहचान ही है सब कुछ है, ओके। तो पहचान क्या है, जैसे हमने पढ़ा था, इसका सेंस निकलता है होना चाहिए, क्या है, होना चाहिए था या फिर बनना चाहिए था, पास्ट के सेंस में आएगा, क्या आएगा, होना चाहिए, होना चाहिए था या बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए था या बनना होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था पहले, डॉक्टर से डॉक्टर बनना चाहिए, होना चाहिए, बी के सेंस में पढ़ा था, बी के सेंस में पढ़ा था ना, शुड बी। तो ये पास्ट में है, इसमें क्या है, किसमें है, पास्ट में है, बनना चाहिए था या फिर होना चाहिए था, आए समझ में। तो इसके जो लास्ट में जो सेंटेंस जो रहेगा, इसमें नाउन रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, स्ट्रक्चर में अभी बताऊंगा। एन फॉर क्या होता है, नाउन होता है, ए फॉर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो नाउन भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, ओके। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहचान ध्यान से, मैंने यहाँ लिखता था ना पहचान, यहाँ थोड़ी क्या है लाइटिंग, सामने वाला मैंने बल्ब ऑन किया था, लाइटिंग थोड़ी सी दिक्कत होगी, ओके, हो सकता है यहाँ समझ में ना आए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओके। शुड हैव बीन, ओके। तो आपको समझ आ गया, क्या होना चाहिए था या बनना चाहिए था, क्या है, चाहिए था, जो पास्ट वाली सेंस, जो हम कल हम बी प्लस थर्ड की फॉर्म, जो पास्ट पार्टिसिपल, उसमें क्रिया आ रही थी, इसमें क्रिया नहीं है, इसमें क्या नहीं है, क्रिया नहीं है, आई समझ, इसमें विदाउट क्रिया है, विदाउट क्रिया आप हम बोल सकते हैं इसको नाउन या एडजेक्टिव के, ये नाउन या एडजेक्टिव है के साथ अगर बनना चाहिए, होना या बनना चाहिए था, आए चाहिए था, क्या आ जाए अगर आए सेंटेंस के लास्ट में, तो आपको शुड हैव बीन से आपको सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि हमें डॉक्टर होना चाहिए था, उसे इंजीनियर होना चाहिए था, हमें जागरूक होना चाहिए था, बच्चों को ईमानदार होना चाहिए था, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। देश सुरक्षित होना चाहिए था, गरीब
अमीर होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे, गरीब अमीर होने चाहिए थे, चाहिए थे का सेंस जो आ रहा है ओके। अक्सर ये जो सेंटेंसेस रहते हैं ये मस्कुलर स्पोकन इंग्लिश में कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में ये मुझे, मैंने तो इसी में पढ़ा है ओके। क्योंकि जो जो सिलेबस रहता है किसका, जो हम स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस रहता है, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि लोग इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। लेकिन मेरा मानना ये है जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो कंटेंट को, बहुत सारी चीज़ ओके। तो आई होप इसकी जो पहचान है आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ पर पहचान नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सकता है कुछ सेंटेंस भी लिख देता हूँ फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मैंने बताया था ना उसे ईमानदार, जो कुछ वर्ड तो ऐसे हैं कि मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ, उसे ईमानदार होना चाहिए था, गरीब अमीर होने चाहिए थे, ठीक है। जैसे एक, जैसे कोई एक आम व्यक्ति है, ठीक है, आम व्यक्ति है, और कोई जो थ्योरी है, कोई थ्योरी बताए कुछ भी, जैसे कि बताए कि भाई दिन रात क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाए, तो लोग क्या बना, ये यार तुम यार आम आदमी हो, तुम्हें तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, बोल सकते हैं ना इंजीनियर होना चाहिए था, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़े से एग्जांपल थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो सेकंड पार्ट है मैं इसका सेकंड पार्ट या आज करूँगा या कल, या फिर एक साथ में ऐड कर दूँगा, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। और एडिटिंग की टाइम समझ में आता है क्या, कब क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए किस पर जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पर जाते हैं, और तो नहीं लिखना है, चलो नहीं लिखना आपको। स्ट्रक्चर्स में देखो क्या आता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा हर बार की तरह, प्लस हैव आएगा, प्लस बीन आएगा। सब्जेक्ट शुड प्लस हैव प्लस बीन आ गया, प्लस नाउन, एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव। जो मैंने सेंटेंस आपको, छह प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने आपको जो सिखाए हैं वही है, सिर्फ फ्रेम वही है, सिर्फ वर्ड वर्ड चेंज है ओके। ऐसे नेगेटिव में जाओ, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना ये की बात है कि शुड प्लस नॉट प्लस हैव, हैव और, चलो मैं पहले बता दूँ पूर्व, ठीक है, बीन। तो ऐसा आपको नॉट लगाना है, शुड प्लस नॉट की, हैव नॉट बीन के बीच में नहीं लगा देना कभी भी, ध्यान रखना ये हैव नॉट बीन के बीच में नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा शुड के साथ में। जहाँ फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट मॉडल उसी के साथ आपको लगाना है, उसके साथ आपको यूज़ करना है। तो इतना क्लियर हो गया, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। इसी प्रकार जो छह स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ आप बना सकते हो अगर पहली बार देख रहे होंगे। क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन वर्ड हम कैसे लगाते हैं, तो वही है जिस प्रकार हम बताते हैं, मतलब मैं बताता हूँ, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव ओके। ऐसे नेक्स्ट और देख लो, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है। तो ये आपके जो छह स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बड़े में लिख दिया है, तो अगर इसके माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखकर बनाना है, ठीक है। और मैं कुछ एक सेंटेंस लेता हूँ, उसकी मैं आपको सेंटेंस बनाना बता देता हूँ। वैसे तो आप बना लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, जितना आया है देख लेना एक बार, दिमाग के ताले खुल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ क्या, ओके गुड, मिटा देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, अब ऐसे ऐसे ही करना है यार, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा टीचिंग का।
ठीक है। तो अब हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे गरीब अमीर होना चाहिए था, गरीब अमीर होना चाहिए था, बोल सकते हैं गरीब अमीर होना चाहिए था या बनना चाहिए था। 70-76 साल हो गए, गरीब की गरीबी है, उसे अमीर हो जाना चाहिए था, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या है पुअर, हाँ पुअर शुड हैव बीन रिच, पुअर शुड हैव बीन रिच, गरीब अमीर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अमीर होना चाहिए था। ऐसे नेगेटिव बनाओ, बनाओ बोर्ड पर देख कर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रटाने का काम नहीं है भैया। गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था, अमीर नहीं होना चाहिए था, क्या आएगा, पुअर शुड नॉट हैव, मैंने बताया था ना शुड नॉट के बीच हैव प्लस बीन रिच हो गया। क्या अमीर गरीब होना चाहिए था, सॉरी क्या गरीब अमीर होना चाहिए था, क्या गरीब अमीर होना चाहिए था, अमीर होना चाहिए था, शुड पुअर हैव बीन रिच, हो गया हो गया। क्या गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था, क्या गरीब है उसको अमीर होने का हक नहीं है, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था। अपने भारत में तो ट्रेंड अलग है, जो अमीर है वो अमीर रहेगा, तो गरीब है जो गरीब रहेगा। अमेरिका थोड़ा है कि विश्व का पहले वाला मतलब पैसे वाला व्यक्ति पहले कौन था आपको पता है, मुझे पता जहाँ पता नहीं जिसने माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी वाला, फिर दूसरा बन गया, अब तीसरा बन गया जिसका नाम क्या है, नाम मैं भूल क्यों रहा हूँ यार, चल मैं बताता हूँ क्लास के बाद, ओके। तो गरीब अमीर क्यों होना चाहिए था, गरीब अमीर क्यों होना चाहिए था, गरीब अमर अमीर क्यों होना चाहिए था, तो why should poor have been rich, हो गया बिल्कुल हो गया। गरीब अमीर क्यों नहीं होना चाहिए था, गरीब अमीर क्यों नहीं होना चाहिए था, गरीब अमीर क्यों नहीं होना चाहिए, कहेगा Why should poor not have been rich, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 6 सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, और आपको ऐसे ही बहुत सारी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। गरीब अमीर होना चाहिए था, पुअर शुड हैव बीन रिच, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था, पुअर शुड नॉट हैव बीन रिच, शुड और नॉट के बीच में लगाना, ठीक है। पहली मॉडल है, हैव और नॉट के बीच में नहीं आएगा। क्या गरीब अमीर होना चाहिए था, शुड पुअर हैव बीन रिच, क्या गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था, ये डबल डबल हो गया शायद डबल हो गया, ये मैंने बनाया नहीं है। क्या गरीब अमीर नहीं होना चाहिए था, तो क्या आएगा, शुड पुअर नॉट हैव बीन रिच, ठीक है, ये भूल गया था मैं, ठीक है, ऐसा बनेगा। गरीब अमीर क्यों होना चाहिए था, वाई शुड पुअर हैव बीन रिच, गरीब अमीर क्यों नहीं होना चाहिए था, वाई शुड पुअर नॉट हैव बीन रिच। तो इस प्रकार हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे, और आप आपको मन से सेंटेंस बना, जितना आप सेंटेंस आप मन से बनाओगे, दिमाग से सोचोगे ना, आपकी थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, आपकी थिंकिंग जब डेवलप होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने जब अंग्रेजी सीख रहे थे मैं, और अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मैं खुद मतलब जो टीचर होते थे वो एक दो सेंटेंस देते थे, बाकी आपको मन से बनाना सेंटेंस, सेंटेंस को बने बनाए नहीं करना, ताकि उसमें आप कुछ न्यू क्रिटिकल थिंग सोच पाओगे। इसलिए आप तो सोचो, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल आएगा, उतना ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज की एक क्लास थी पेन करके।
आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी यू कैन टेल इन कमेंट बॉक्स। और यदि आपको लगता है कि इस क्लास को और शेयर करना चाहिए, इस प्रकार की यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, स्पेशल क्लास तो नहीं मिलेगी, वैसे एक आध बता दिया हो शॉर्ट की क्लास लिस्ट हो सारे एक आध बता दिया हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फुल डिटेल में मतलब आप एक बार अगर पढ़ लोगे ना इस इन क्लासों को एक बार देख लोगे ना आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो, गारंटेड। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, तब भूलोगे नहीं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था गरीब अब अमीर होता जा रहा, तो मैं उसके बारे में कल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, अपना खूब सारा ख्याल रखें।